शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से प्रीवियस सेशन में 37 तक हुआ था हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से सो डूवेल एंड कंपनी इज ए पार्टनरशिप फॉर्म विथ पार्टनर मिस्टर ए मिस्टर बी एंड मिस्टर सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ टेन इज टू सिक्स इज टू फोर सो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहा द बैलेंस शीट ऑफ द फॉर्म एज एट थर्टी मार्च ट्वेंटी इज एज अंडर Capital Mr A eighty thousand, Mr B twenty thousand, Mr C thirty thousand. Total one lakh thirty thousand. Reserve unappropriated profit twenty thousand. Long term debt three lakh. Bank draft, forty four thousand. Trade creditors one lakh seventy thousand. Asset side land ten thousand. Building two lakh. Plant and machinery one lakh thirty. Furniture forty three thousand. Investment twelve thousand. Stock one lakh thirty thousand. Debtors one lakh thirty nine thousand. इट वॉज म्यूचुअली अग्रीड मिस्टर बी विल रिटायर तो यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है मिस्टर बी विल रिटायर तो यहाँ पे तीन पार्टनर थे ठीक है तीन पार्टनर थे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर थर्टी एट पेज टू एटी फाइव पेज नंबर टू एटी फाइव ठीक है तो ख्याल आ कितने पार्टनर थे तीन पार्टनर थे ए बी और सी ठीक है तीन पार्टनर थे ए बी और सी और इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था टेन इज टू सिक्स इज टू फोर अब यहां पर कहते हैं कि मिस्टर बी विल रिटायर मिस्टर बी विल रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड इन हिस प्लेस मिस्टर डी विल बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रिल ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्सटीन और यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग टूट टू वन नीचे लिखा तो यहां पर नया किया यहां पे ये बी रिटायर हो रहे हैं तो पार्टनर बी रिटायर और जो नया पार्टनर है डी यहां पे इनका ये एडमिशन हो रहा पार्ट है पार्टनर डी का ठीक है अब एडमिशन हुए बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहेगा एक पार्टनर जा रहा है और एक पार्टनर यहां पे आ रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोन आगे भी अपन इसके बारे में बात कर सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका टूस टू है तभी तो सिर्फ आप इतना समझेंगे कि जो पुराने पार्टनर थे ए बी सी उसमें से बी रिटायर हुआ और एक नया पार्टनर आया पार्टनर डी अब वो कहता है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट लाख बट सेम विल नॉट अपीयर एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ द रिकन्स्टिट्यूट फॉर्म ठीक है तो गुडविल उसने लाख वाला वही गेनिंग पार्टनर उसको एडजस्ट करेगी बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी तो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है आपका यहाँ पे बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी एप्रिशिएटेड बाई फाइव परसेंट एंड ट्वेंटी रिस्पेक्टिवली

इन द न्यू प्रोफिट फंड एनी विल बी यूज फॉर रिपेइंग द बैंक वॉर्ड्राफ वो कहते हैं कि बैंक बैलेंस में अगर कोई देखो यहाँ पे यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई यहाँ पे बैंक का कोई बैलेंस नहीं एक मतलब है एक बैंक वॉर ड्राफ्ट मतलब लाइबिलिटी है ना बैंक ओडी लेके रखे तब कुछ पैसा आ रहा होगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में आगे उसने कहा कि यहाँ पे वो न्यू उन्हें दो लाख रुपए कैपिटल मेंटेन करना उनको वो भी, जो भी कम ज्यादा होगा वो नए पार्टनर लेके आएंगे पैसा <coughs> तो कहता अगर कुछ पैसा बच गया कुछ पैसा बच गया तो वो ओडी को रीपे कर देंगे वो कह रहे थे ओडी को रीपे कर। करूंगा तो बैंक ओल्डर ऑफ अकाउंट डेबिट टू तो बैंक अकाउंट फिर कहते अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शेयर बी ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना रहेगा यू यू आर आर टू प्रिपेयर अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी अब उसमें एडजस्टमेंट ऑफ व गुडविल तो हम वो बनाना रहता है हमको गुडविल का अमाउंट दे रखा सो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेटा ओके सो यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहला जो उसने पूछा है ए रिवैल्यूशन अकाउंट रीवैल्यूशन अकाउंट सर रीवैल्यूशन अकाउंट को आप ड्रॉ कर लेंगे छह सात लाइन का उसके बाद बी पॉइंट कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओके इसे आप ड्रॉ करेंगे थोड़े स्पेस ज्यादा ही रखेंगे आप लोग इसको ड्रॉ करना आपने दस बारह लाइन का चार पार्ट ए बी रिटायर हो रहा है और डी आएंगे यहां पे और कॉलम बढ़ गया यहां पर एबीसीडी ए बी सी डी ए बी सी डी ओके थर्ड बैंक अकाउंट ओके थर्ड बैंक अकाउंट चार पांच लाइन का आप ड्रॉ कर लेंगे बैंक अकाउंट ओके लास्ट इज बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट एज ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रिल टू थाउजेंड सिक्सटीन एज ऑन फर्स्ट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन ओके इसको आप ड्रॉ कर लीजिए दस बारह लाइन उसके बाद वर्किंग नोट वर्किंग नोट नंबर वन कोई गुडविल का और कैन से टेबल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल टेबल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ओके सो शुरू करा जाए इतना ड्रॉ कर लिए so, सबसे पहले कैपिटल मिस्टर ए बी और सी का कितना एटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड और थर्टी थाउजेंड तो so, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको लिखेंगे बाय बैलेंस brought down by balance brought down 80,000, 20,000 और 30,000. ओके. Okay. उसके बाद फिर रिजर्व आपका 20,000 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराना कितना था पुराने पार्टनर टेन इज टू सिक्स इज टू फोर सो राइट डाउन देयर बाय रिजर्व टेन इज टू सिक्स इज टू फोर सो ये कितना है ट्वेंटी है ना तो टेन थाउजेंड सिक्स थाउजेंड और फोर थाउजेंड ओके उसके बाद वो कहता है कि लॉन्ग टर्म डेप्थ इसमें तो आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ये थ्री लैक्स को आप बैलेंस शीट में लिख दो लॉन्ग टर्म debt थ्री लाख रुपीस, ओके और उसने बैंक ओवर ड्राफ्ट आपको फोर्टी फोर दिया लेकिन इनर कॉलम में रखना क्योंकि उसने कि जो भी फंड आखिरी में अवेलेबल रहेगा जो भी बचा रहेगा बैंक वो डी एक लाइब्रेटी उसको हम लोग पे कर देंगे तो इसको जितना कितना फंड अवेलेबल है वो तो अभी पता नहीं आखिरी में पता चलेगा तो आप ये बैंक ओवर को इनर कॉलम में लिख दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना दिया उसने फोर्टी फोर थाउजेंड फोर्टी फोर थाउजेंड उसके बाद दिया उसने ट्रेड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स कितने वन लाख सेवेंटी थाउजेंड सो ट्रेड क्रेडिटर्स वन लाख सेवेंटी उसके बाद दिए लैंड उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आप उसको आउटर कॉलम पे लिख सकते टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज एसेट साइड देन बिल्डिंग पे एडजस्ट मैंने इनर कॉलम पे लिखना टू लाख बिल्डिंग इनर कॉलम में लिखना आपने टू लाख उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी वन लाख थर्टी थाउजेंड उसे भी इनर कॉलम प्लांट एंड मशीनरी वन लाख थर्टी थाउजेंड उसके बाद है फर्नीचर 43,000 इसका आउटर कॉलम में लिख सकते हैं कोई एडजस्टमेंट नहीं है फर्नीचर 43,000 अब इसको आप लिख लीजिएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैसे इसमें कोई पार्टनर इसको लेके जा रहा है लेकिन इनर कॉलम में लिख दीजिए जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट की बता दो कैसे आप इसको भी इनर कॉलम में लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट दैट इज ट्वेल्व ओके ये इन्वेस्टमेंट जीरो होकर जाएगा कोई पार्टनर लेके जा रहा है उसको उसके बाद इस स्टॉक वन लाख थर्टी थाउजेंड कोई एडजस्टमेंट नहीं आउटर कॉलम वन लाख थर्टी डेट डेटस वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड ओके उसके बाद ओके उसके बाद आप एडजस्टमेंट पाएंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट उसने कहा पार्टनर ठीक है बी जा रहा है डी आ रहा है सबसे so एडजस्टमेंट पे गुडविल उसने एक लाख रुपए उसका वैल्यूशन किया लेकिन वो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपियर नहीं होते तो इन अदरवाइज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो आप यहां पर वर्किंग नोट नंबर वन ए बी सी डी सो क्रेडिट

कि न्यू रेशो न्यू रेशो उसका यहां पे दे रखा so, है टू इस टू 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 वन थर्ड पॉइंट में देखो टू 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 वन सो टूस टू 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 वन लेकिन किसका बी रिटायर हो गया बी रिटायर हो गया सो so, ये आएगा आपका फोर्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड और ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां पर फिफ्टी मिलना चाहिए मिलेगा फोर्टी तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है टेन थाउजेंड रुपीज से ये थर्टी मिलना चाहिए आगे कुछ नहीं तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है सी को ट्वेंटी मिलना चाहिए फोर्टी मिलेगा तो ये गेन कर रहा है ट्वेंटी थाउजेंड से डी को कुछ नहीं मिलना चाहिए आगे ट्वेंटी मिलेगा सो so, का बेनिफिट तो ये ट्वेंटी थाउजेंड का क्या कर रहा है गेन तो आप चाहो तो इसकी जनरल एंट्री यहां लिख सकते गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग सो सी अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड डी अकाउंट डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड टू ए अकाउंट टेन थाउजेंड टू बी अकाउंट थर्टी थाउजेंड ओके सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ठीक है गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर सो अब आप इसकी एंट्री तो हमने यहाँ पे एंट्री पर आप कर ली, इसकी, इसकी पोस्टिंग कर लोगे तो आप जाओ लेजर में कैपिटल अकाउंट में वहां पर आप लिखेंगे क्या एंट्री पास हुई भाई ए अकाउंट डेबिट सी और डी को डेबिट करें बीस बीस पहले तो वो लिख लो बीस बीस किसके अगेंस्ट में तो दो लोग है वहां पे जो क्रेडिट करे आपने ए और बी ठीक है अगेंस्ट ए एन बी टू एन बी अकाउंट अब देखो ये एक और चीज याद रखना बेटा गुडविल ब्राकेट में लिख लो तो यहां और लिख दो वर्किंग नोट नंबर वन से फिगर ला आपने एक और चीज क्या रखा आप सोच रहे हैं कि सर आपने सी को और डी को डेबिट कर था मैंने डेबिट किया लेकिन सर आपने यहाँ पे अगेंस्ट ए और बी लिखे तो ए और बी तो है अगेंस्ट में लेकिन सर एक का टेन एक का थर्टी तो टोटल फोर्टी तो अब किसके आपने क्रेडिट में ना यहाँ पे जैसे ट्वेंटी ट्वेंटी आपने डेबिट करे किसके ए और बी के अगेंस्ट में नॉट से ऑनली अगेंस्ट ए और ऑनली अगेंस्ट बी सो बेसिकली तीन चीज होती है ना उसमें आपको सिर्फ ऐसे ही कह रहा हूं समझना है इस चीज को बेटा जब आप डेबिट में मिलेगा क्रेडिट स्पेशली जो कॉमर्स वाले इलेवन ट्वेल्थ से है जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हो ना उसमें आप डेबिट क्रेडिट करते स्पेशली में ट्वेल्थ इलेवन ट जो कॉमर्स करे मैं उनसे बात कर रहा हूँ स्पेशली साइंस वाले बच्चों को तो जो बोलो अभी नए रहते हैं उनको जो बोलो सुनते हैं सच में तो वो बेचारे बड़े अच्छे होते हैं क्यों क्यों अच्छे होते कि साइंस वाले बच्चों को जो सिखाऊंगा मैं वो सीखेंगे कॉमर्स वालों का प्रॉब्लम कभी ऐसा हो जाता है कुछ वो पढ़े हुए रहते फिर उनको बोलना पड़ता नहीं वैसा मत सोचो ऐसा सोचो तो वो पहले उसको हटाना पड़ता उनके दिमाग से फिर नई चीज डालना पड़ता तो थोड़ा और, और मुश्किल रहता है साइंस वाले बच्चे तो फ्रेश है उनको तो कुछ पता ही नहीं पास का जो बोलो बच्चे सुन लेते एनी जब भी कोई अकाउंट बनाओ तो तीन चीज लिखता हो बेटा यहाँ पे एक लिखता हूं अमाउंट अमाउंट लिखता हूं मैंने अमाउंट लिखा अब ये अमाउंट यहां पर मैंने लिखा सपोज दो हजार रुपए एग्जाम्पल इसको हटा भी दूंगा समझाने रहा हूं सपोज यहां पे मैंने लिखा रमेश और यहां पे लिखा तो टू रमेश और कोई भी अकाउंट होगा सपोज ये सेल्स अकाउंट है तो रमेश नहीं नहीं सेल्स डेबिट परचेज अकाउंट है ये सपोज तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ठीक है सो ये परचेज अकाउंट बनाए तो अपने परचेज की रमेश से एंट्री पास करें परचेस टू परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ऐसी कुछ और चीज बोलना चाहूँ इसलिए बता रहा हूं बेटा अपने को क्या आदत रहती है कॉमर्स वालों को कि ये टू बोले तो भाई साहब ये टू बोले तो डेबिट में टू लिखते क्रेडिट में बाय लिखते ऐसा लिखते ना डेबिट साइड में यहाँ क्रेडिट साइड में बाय लिखते उसमें गलती कर दी तो गुना कर दिया कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं होती बेटा टू और बाय की मैं सच कह रहा हूँ कोई वैल्यू नहीं होती वो एक परंपरा है एक कस्टम है जो चले आ रहा है तो हम भी लिख लेते हैं लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं थी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं रैंकिंग दू इन तीन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं कोई रैंकिंग दू तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है अमाउंट 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 की चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपने गलत गलत लिखे गलत आएंगे उस अकाउंट के बैलेंसेज अगर आपके गलत आए तो ट्रायल बैलेंस में गलत अमाउंट जाएगा ट्रायल बैलेंस में गलत गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत बनेगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये अमाउंट कॉलम उससे कम इंपॉर्टेंट होता है कि ये बताता है कि भाई अमाउंट कहा से उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसका वो हमको बताता है एक्सप्लेन करता है तो ये जैसे यहाँ पे रमेश लिखो तो भाई परचेज अकाउंट है परचेज टू रमेश रमेश सर ने परचेज की वो बताता है सप्लायर और ये टू और बाय कुछ नहीं है एक परंपरा चली आ रही तो हम लोग लिखते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है तो, ये ये चीज क्या होता है कि अब जब भी आप पढ़ते हो तो इस चीज को ख्याल रखना आपने अब आप एक मतलब एक

अब क्या होगा आपने ए और बी को अपने को क्रेडिट करना अगेंस्ट सी एंड डी कितना था दस हजार और तीस हजार वर्किंग नोट नंबर वन ब्रैकेट में लिख लेना दस हजार और तीस हजार ओके उसके बाद फिर वो कहता है फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अब प्लांट एंड मशीनर आर टू बी डेप्रिशिएसेंट एंड ट्वेंटी रीवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट जल्दी से बैलेंस so तो शीट में जाएंगे और वहां पर बिल्डिंग को फाइव तो दो लाख का फाइव होता है आपका दस तो ये दस आउटर कॉलम पे आएगा वन लाख नाइनटी थाउजेंड वन लाख थर्टी का आपका फाइव परसेंट प्लांट एंड मशीनरी नहीं ट्वेंटी परसेंट स्कोर इसको फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट वन लाख थर्टी का छब्बीस हजार ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फिर आउटर कॉलम पे एक लाख चार हजार एंट्री क्या पास होगी रिवैल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट अब आप जल्दी से जाएंगे रिवैल्युएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे उसे टू बिल्डिंग दस हजार टू प्लांट एंड मशीनरी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ओके उसके बाद है फिर आपका इन्वेस्टमेंट टे, टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर अब जो रिटायरिंग पार्टनर बी था उसने इन्वेस्टमेंट लेके गया आपने लिख लेना पंद्रह हजार रुपए में लेके गए बेटा तो एंट्री क्या पास होंगी बी ने लेके गया बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहा है हाँ बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज टू तो हमारे पास से इन्वेस्टमेंट गया टू तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज अब क्या हुआ कि मगर इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे बारह हजार का तो हमको लोग तीन हजार रुपए का प्रॉफिट होगा क्योंकि जो हमारा इन्वेस्टमेंट बारह हजार की जो एसेट थी हमने किसी को दी उसको पंद्रह में सो so, बी इज द रिसीवर तो बीस अकाउंट डेबिट टू तो इन्वेस्टमेंट बाहर बेचते तो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट होगा वो लेके गया पार्टनर तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो एंट्री पास करें बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट अब तीन हजार रुपए का क्या होगा तीन हजार रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ दैट वी ट्रांसफर टू सो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट थ्री थाउजेंड

सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन ओके तो यहाँ पे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट तो अब आप यहां पे कैपिटल अकाउंट जो आपने बनाए वहां पे आप लिखेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट पंद्रह हजार रुपए तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ठीक है अब इन्वेस्टमेंट को आपने क्या किया क्रेडिट तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो आपको दिख रहा है बारह हजार रुपए इसमें से बारह माइनस करना बोले नहीं नहीं सर पंद्रह माइनस होगा अरे पंद्रह माइनस होगा तो तीन का बैलेंस आएगा फिर तीन भी ट्रांसफर करना है ना तीन भी ट्रांसफर करना अपने को तो ये आ गया आपका ये जीरो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्ट्मेंट का बैलेंस जीरो आ रहा है ना तो अब यहाँ पे इसका अरे ये देखो ना थोड़ा दिमाग लगाया करो ये पंद्रह है और ये तीन है एक को क्रेडिट करे एक को डेबिट करे नेट इफेक्ट तो बारह ही हुआ ना ओके रीवैल्युशन में तीन हजार रुपए लेके जाओ तो रीवैल्यूशन अकाउंट को यहां क्रेडिट करो बाय इन्वेस्टमेंट ठीक है मैं लिख देता तो हूं ब्राकेट प्रॉफिट तीन हजार ओके उसके बाद यहाँ पे यह हो गया प्रोविजन ऑफ ट्वेंटी परसेंट टू बी मेड ऑन डेटस टू कवर द डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन अकाउंट प्रोविजन अकाउंट यहाँ पे डेटस so, so, आपने लिख रहा है वहां पे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब डाउटफुल है से कितना ट्वेंटी परसेंट सो वन लाख थर्टी नाइन थाउजेंड का बीस प्रतिशत ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड या आपका एक लाख ग्यारह हजार दो सौ ठीक है आउटर कॉलम रिवैल्युएशन में डेबिट करो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड उतना ही था ना हाँ ओके okay, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता हूं आपसे दैट इन द रिकनसिड फ्राम द टोटल कैपिटल टू लाइक इजी क्वेश्चन दो लाख रुपए टोटल कैपिटल होना चाहिए कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई मिस्टर ए सी एंड क्योंकि बी तो रिटायर हो जा रहा है इन द न्यू प्रॉफिट बताता हूँ इसमें कुछ भी नहीं बच्चों का खेला हूँ थर्ड पॉइंट ठीक है उसके बाद फोर्थ सरप्लस अगर बचा तो ओडी में पे कर देना अपने को और रिटायरिंग पार्टनर के बैलेंस को लोन अकाउंट में लेके जाना इजी तब आप यहाँ पे आएंगे एक एक करके क्लोज करेंगे रिवैल्यूशन अकाउंट पहले यहाँ पे लॉस दिख रहे हैं डेबिट साइड में ज्यादा है टेन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन एट हंड्रेड तो यार सिक्सटी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड बाय लॉस ऑन रिवेल्युएशन ये ओल्ड पार्टनर्स है इनका प्रॉफिट शेयर टेन इज टू सिक्स इज टू फोर एबीसी थाउजेंड एट हंड्रेड डिड बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टेन थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एटीन थाउजेंड टू फोर्टी ट्वेल्व थाउजेंड वन सिक्सटी लॉस अब यहां पे आपने रिवैल्यूशन को क्रिएट करें पार्टनर्स कैपिटल को आप डेबिट करेंगे टू रिवैल्युएशन आप ब्रैकेट में लिख लो लॉस थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड एटीन थाउजेंड टू फोर्टी ट्वेल्व थाउजेंड वन ओके, अब यहां पे वन बाय वन ठीक है इसमें दो तीन चार लाइन का स्पेस रखना और फिर आपने से दो लाइन ड्रॉ कर देना ठीक है तीन चार लाइन का स्पेस रखना आपने ठीक फिर अब ध्यान से फिर अब कहीं पर भी क्वेश्चन ये नहीं बोला अपने को अपन डी के बारे में बाद में बात करते हैं एक्चुअल में न? ये एक आया है ये भाई साहब डी आया है और ये बी गया है तो पहले अपन बी के बारे में बात करते हैं जो रिटायर हो उसका अपन सेटलमेंट कर लेते हैं उसको बोले लोन अकाउंट में मारनेड ठीक है तो फिफ्टी सिक्स, सिक्स थाउजेंड बैलेंस देखो कितना आ रहा है माइनस फिफ्टीन माइनस एटीन थाउजेंड टू फोर्टी यार आपका ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन सिक्स उसने कहा कि इसको लोन मान लो तो 20 लोन अकाउंट यहां पे आ जाएगा ठीक है 20 लोन अकाउंट ठीक है उसको नीचे भी लिख सकता था मैं एक सेकेंड एक सेकेंड ना. ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन सिक्सटी टू बीज लोन ओके अभी आपने एंट्री पास करे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज लोन ये लाइबिलिटी है तो आप इसको लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे बीज लोन ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन सिक्सटी ठीक है अब बाकी पार्टनर्स के बैलेंसेस आप निकालो ए का एटी प्लस टेन नाइनटी प्लस टेन वन लाख एक लाख एक लाख एक लाख माइनस थर्टी थाउजेंड फोर हंड्रेड तो ये आपका सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड या बैलेंस बैलेंस डाउन, ओके उसके बाद यहां पे थर्टी और ये फोर थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फोर थाउजेंड माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व वन सिक्सटी तो यार वन एट फोर जीरो और जो डी का जो केस था उसमें डेबिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि नया पार्टनर तो उसने कुछ लेकर ही नहीं है ना वो डूल का एडजस्टमेंट तो तो उसके अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया ट्वेंटी से तो इस केस में डेबिट बैलेंस आ रहा है ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां पे आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन ये ट्वेंटी अब ध्यान से अब यहां पे आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन सिक्सटी नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फोर्टी अब ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ट्वेंटी थाउजेंड ये डी का जो है वो यहां ये आया था ट्रांसफर और ए और ये सी का अब ध्यान से उसने क्या कहा बहुत सिंपल है वैसे उसने अपने से कहा कि इस पे वाले में वर्किंग नोट बनाते हो लेकिन यहां पर भी आप इसको लिख सकते हैं उसने कहा अपने से कि इन लोगों का ये जो है पे क्या तूस 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 में, में मेंटेन करना है बी तो चलेगा ए सी और डी की बात करें दो लाख रुपए टोटल कैपिटल होना चाहिए इससे पहले वर्किंग नोट भी बना दूंगा टू बैलेंस कैरीड डाउन वर्किंग नोट नंबर टू मैं बना दूंगा वहां पर ध्यान से बेटा अब दो लाख रूपए टू मेंटेन करना है तो दो लाख डिवाइडेड बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय टू तो ये अस्सी हजार रुपए होना चाहिए टू इस भी टू 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 वन ये आपका फोर्टी थाउजेंड टू टू इसका एटी एटी फोर्टी मेंटेन जो भी कम ज्यादा होगा पैसा उतना लेकर वो आएंगे ठीक है अब ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा अब उसको यहाँ पे इस पर वर्किंग नोट बना देता हूं यहां पे आपने लिखे वर्किंग नोट नंबर वन उसके बाद लिखा वॉकिंग नोट नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ए सी और डी टोटल कैपिटल दो लाख रुपए है जो मेंटेन करना है क्लोजिंग टू इस टू 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 वन में तो टू बाय फाइव दो लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय टू बाय फाइव और ये दो लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय वन बाय फाइव तो ये आएगा आपका एटी थाउजेंड एटी थाउजेंड और फोर्टी थाउजेंड तो टोटल दो लाख ओके टू, स्टो टू स्टो में इतना अपने को होना चाहिए तो यहां पे बेटा आपने और ये फोर्टी लिख ली ए लिक लिक A का सी का और डी का ए सी और डी है ना बी तो नहीं लिखा मैंने वहां पे ए सी और डी ठीक है अब यहां पे देखो यहां पे ए का, का बैलेंसिंग फिगर बस निकालना और कुछ नहीं यहां पे यहां पे ए का पर एक कांड यहां पे क्लोजिंग लेखी नहीं एटी है तो ठीक है ये एटी थाउजेंड ये 80 ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 80 69 600 ये आया आपका 10400 सो बाय बैंक अकाउंट ठीक है बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर्स में बोला रहे उसको कंट्रीब्यूट करेगी वी विल कंट्रीब्यूट इट वो कंट्रीब्यूट करेंगे ना मगर उतना मेंटेन कर ये इतना बैंक अकाउंट बैंक को मैं डेबिट कर डोंट वरी अभी तो है नहीं सी एटी 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 माइनस वन एट फोर जीरो सेवन एट वन सिक्स जीरो सिक्सटी सिक्सटी ये सिक्सटी 60, 60, ये 60. इतना पैसा इनको लेके आना है ओके सो बैंक अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल ठीक है इस चीज को So, पैसा तो आ गया टू एस कैपिटल अकाउंट टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड टू नॉट बी सी कैपिटल अकाउंट याद रखना कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस भी बैलेंस शीट में लिखना है अभी लिख लेंगे अपन सेवेंटी एट वन सिक्सटी टू डी कैपिटल अकाउंट 60,000. 60,000. डी कैपिटल टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड 10,400, 400, यस ओके अब यहां पे ना इसको अपन एक चीज पे आता लेकिन क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल लिख लो बैलेंस शीट में कैपिटल ए सी और डी बी क्यों नहीं दिख रहा बी भैया चले गए ना रिटायर हो गए थाउजेंड और ये तो टोटल हो गया आपके दो लाख टोटल कितना हो गया आपका दो लाख ओके अब उसके बाद आप यहां देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसको समझना भी बैंक ओवर ड्राफ्ट को उसने कहा कि अगर आपके पास बैलेंस है तो आप बैंक ओवर ड्राफ्ट पे कर देना देखो इस पॉइंट में कहा उसने अपने पे यहां पर बैलेंस सरप्लस अगर कुछ आता है तो बैंक ओवर ड्राफ्ट को आप रीपे कर तो बैंक ओवर ड्राफ्ट में बैलेंस कितना रखा हुआ है बैंक ओवर ड्राफ्ट की अगर अपन यहां पे बात करें बैंक ओवर ड्राफ्ट में कैसे बताऊ यही बता दो ठीक है, है।, है 44, so, ये सपोज बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट है बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट इसमें बैलेंस है फोर्टी फोर थाउजेंड सो ये बैलेंस जो था फोर्टी फोर थाउजेंड बैलेंस था अब उसने कहा कि पैसे आएंगे तो पे अगर बचे तो पे कर देना तो हमारे पास तो भरपूर पैसा है वो पार्टनर्स लेकर आए ना अभी कितना है अपने पास टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लसेंड सो अपने अपने पास आया तो 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 बेटा अपने, अपने, अपने को फोर्टी फोर पे करना है तो वी है इज लाइबिलिटी डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट सो एंट्री विल बी बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट फोर्टी फोर तो मेरे पास तो यहाँ पे बैंक ओडी में कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा ना तो बैंक ओर ड्राफ्ट को डेबिट किया आपने डिक्रीज इन लाइबिलिटी से माइनस करे फोर्टी फोर सो बैंक ओवर ड्राफ्ट में तो मेरे पास कोई बैलेंस ही नहीं बचा तो रीपे कर दिया हाँ सेकंड इफेक्ट आपको जरूर देना बैंक ओर ड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो बैंक को आप क्रेडिट करेंगे यहां पे बाय बैंक ओवर ड्राफ्ट फोर्टी फोर थाउजेंड सो अब बैलेंस निकाल लो ये है आपका वन फोर्टी एट फाइव सिक्सटी माइनस फोर्टी फोर वन लाख फोर थाउजेंड फाइव सिक्सटी सो बायेंस कैरी डाउन वन लाख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी तो बैलेंस शीट में लिख देंगे बैंक वन लाख फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी इसकी टोटल कर लो आप टू लाख प्लस ट्वेंटी टू सेवन सिक्सटी प्लस थ्री लाख प्लस वन लाख सेवेंटी तो यार आपका सिक्स लाख नाइन्टी टू थाउजेंड सेवन सिक्सटी सिक्स लाख नाइन्टी टू थाउजेंड सेवन सिक्सटी टेन थाउजेंड प्लस वन लाख नाइन प्लस वन लाख फोर प्लस फोर्टी थ्री प्लस वन लाख थर्टी वन लाख इलेवन थाउजेंड टू हंड्रेड प्लस थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन सेवन सिक्सटी ओके सो यहाँ पे ये यह जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्टी एट खत्म सिंपल है देखो एक कोई आया कोई गया उसमें एक और चीज यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन अभी मैं सॉल्व करूंगा <coughs> क्वेश्चन नंबर थर्टी एट जो है ये एग्जाम में आया नवंबर 2020 क्वेश्चन क्वेश्चन सिमिलर है जैसे हमने भी कर इनफैक्ट यहाँ सेम क्वेश्चन देखो पहला वाला जो आपका था वो एक पार्टनर यहाँ पे बी रिटायर हुआ नया पार्टनर वो डी उसकी जगह पे आया फिर गुडविल फॉर्म की अमाउंट चेंज है तीन लाख रुपए उसने बोला फिर बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को नाइनटी फाइव परसेंट एसेंट पे वैल्यू करें इट मीन्स डेट के पांच परसेंट से उसको डेप्रिशिएट करना रहेगा ट्रेडिडर गुड ओनली अपू एटीन परसेंट कंसिडर इज बैड तो आपका फिफ्टीन परसेंट आ गया वो आपका जो बैड डेप कह रहा है ओके okay, उसके बाद यहाँ पे फिर उसने इन द रिक चार लाख रुपये कहापिटल होना थ्री फोर थ्री में अपने को उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो बैलेंस रहेगा रिटायरिंग पार्टनर को वो अपने को लोन माना है या बैंक को जिसने को रीपे करना नहीं बोला ठीक है उससे एक एडजस्टमेंट कमी तो इसलिए इसको आपको कर सिमिलर टू क्वेश्चन थर्टी सिक्स है तो इसको आप नहीं भी करें तो भी चलेगा लेकिन अगर आप चाहते नहीं करना ही आपको ठीक है तो अपन क्या करेंगे इसको मैं होमवर्क सेक्शन में इसका सोल्यूशन दे दूंगा जरूरी नहीं इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व इट यू कैन सॉल्व इट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सेक्शन सॉरी जो आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते ना उसमें जो सोल्यूशन रहते हैं ना प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो सोल्यूशन आपको पीडीएफ मिलती है गूगल ड्राइव पे उस पर मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूँ लेकिन कई बच्चे ना कई बार कंफ्यूज होता है, है दिख नहीं रहा याद रखना स्क्रोल करना सबसे नीचे में जाऊंगा स्क्रोल को सबसे नीचे में जाके वहां हेडिंग दे दूंगा क्लास क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर फोर्टी का सोल्यूशन दूंगा ठीक है तो होमवर्क सेक्शन में होना चाहिए गलती से यहां पर आ गया हो तो आप सॉल्व कर लेना उसको गलती से यहाँ पर आ गया तो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स डेयर फॉर गिवन इन होमवर्क ठीक है इसको अपने को याद रखना फोर्टी को मैं लिख भी दूंगा अभी क्लास के इस नोट्स में ठीक है सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पे आप आएंगे ओके सो क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन पेज नंबर टू एटी सिक्स पेज नंबर 286. Okay. X, Y, and Z are partners sharing profit and losses in the proportion of 3s to 2 is to 2. So teen partner the XYZ unka profit sharing ratio the 3s to 2 is to 2 respectively. The balance sheet of the firm as on 1st of January 2016 was as follows. <coughs> Capital account X 50,000, Y 40,000.

रिटायर होता है एक्स रिटायर ऑन फोर्स ऑफ जनवरी 2016 ऑन विच डेट आर इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर मतलब यहाँ पे एक्स भैया गए उनके बदले में कौन आ गए आर भैया वहां पे आ गए फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग द राइट एज बिटवीन द ओल्ड पार्टनर गुडविल वैल्यूड एट रुपीज फोर्टी सेंट्री डेटस ये मैं क्यों कलर कर रहा हूं इतना ठीक है उसके बाद वो कहता है ठीक uh, है अच्छा लगा बाय टू ठीक है ध्यान थी, रखना बाय रुपीज एट थाउजेंड एंड टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड रिस्पेक्टिवली एग्जाम का क्वेश्चन नहीं आर टीपी मॉकटिस कहीं का नहीं आएगा आपके अटैप्ट में ठीक है ओके एक्स इज टू रिसीव रुपीज ट्वेंटी बैलेंस ड्यू टू हिम इज रि एज लोन एट एट परसेंट पर है ना रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी मेड एट दर बामेंट रिप्रेजेंटिंग ट्वेंटी फाइव द फ्यूचर प्रॉफिटिंग इंटरेस्ट लोन देखो ये ना ऐसे क्वेश्चन मेरे को सबसे अच्छे लगते जो एग्जाम आए हुए एग्जाम में सब में नहीं आया मेटेल के क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन क्या होता है ये आप मेरे नोट्स में जो भी ऐसे क्वेश्चन देखो जिसमें कुछ नहीं लिखा है

टू थाउजेंड बिफोर अकाउंट इंस्टॉलमेंट पेबल टू आर रिक्वायर टू शो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दर्टी फर्सिट द न्यू पार्टनर ट्वेंटी सिक्स से देखो आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखा है ना उन लोगों ने तो बैलेंस शीट जो दे रखा है क्वेश्चन में उसने वो एक्चुअल में एक सेकेंड वो एक्चुअल में उसमें दे रखा है आपका फर्स्ट ऑफ डिसंबर को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ नॉट डिसंबर फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड की लेकिन कहानी चल रही थर्टी फर्स्ट तक उसने हमको चीजें पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है सो पहले तीन पार्टनर थे एक्स वाई और देट तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था एक्स वाई और दैट का थ्री टू टू इस टू टू थ्री टू टू इस टू टू ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेश था क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेश था है थ्री टू इस टू टू अब वहां पे नया पार्टनर आ गया आर तो ये क्या हो रहा है यहां पे ये रिटायर कौन रिटायर हो रहा है रिटायर रिटायर हो हो रहा है। ये एक्स हो रहा है है ये यहां पे ठीक है एक्स के रिटायरमेंट के बाद एक नया पार्टनर आ रहा है ये आर तो एक्स जा रहा है और आर आ रहा है बहुत अच्छे समझना है इसको इसका एडमिशन हो रहा है एडमिशन हो रहा है ठीक है तो X का रिटायरमेंट हो रहा है और R का क्या हो रहा है बेटा एडमिशन हो रहा है अब क्या हो यहां पे? कि अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ने क्वेश्चन में जो बोला है अपने को वो उसने बोला है कहां पढ़ा था ना मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अरे जस्ट वन मिनट दिया नहीं है क्या इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो

वन इज टू वन इज टू वन ये कौन कौन है यहां पे ये तीन पार्टर y, z और r की बात चली अभी इस साल में यहां पे उसने यहां की भी कुछ चीजें पूछा क्वेश्चन उसने क्या कहा थर्टी फर्स्ट डिसंबर का, का प्रॉफिट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा है कैपिटल अकाउंट और एक्स लोन अकाउंट तो यहां पे थर्टी फर्स्ट डिसंबर से आपको पूछता है वो कि पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दूसरी चीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तीसरी चीज एक्स लोन अकाउंट ये तीन चीज पर पूछा लेकिन आप खुद लॉजिकली सोचो कि ये पूरे साल का जो प्रॉफिट हुआ होगा इस प्रॉफिट पे किसका हक है एक्स तो साल की शुरुआत पे यहीं रिटायर हो गया ना तो ये जो तीन पार्टनर है जेड और इनका राइट तो यहां पे पूरे साल में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर किसका हक है उस पर तीन लोगों का हक है कौन है वो तीन लोग y, z और आर सो so, z और r. ये तीन लोगों कहा के किस पे ये नेट प्रॉफिट पे क्योंकि आर एक्स तो रिटायर हो गया ना साल के शुरुआत में अब अपने को जाना किस इस रास्ते इसको समझना बेटा अच्छे से तो ये तीन चीज जो पूछा है वो तो अपन ड्रॉ कर देते फिर एक एक पॉइंट वहां से पढ़ेंगे फिर एडजस्टमेंट अपन कर दे डोंट वरी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में तो आप सबसे पहले ना ठीक है यहां पे लिखो आप पहले ए पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन इसको आप ड्रॉ करेंगे पांच छह लाइन का ओके okay. पांच छह लाइन का उसके बाद इसको पहले ड्रॉ करो पांच छह लाइन का इसके बाद ना तीन चार लाइन का स्पेस रखना तीन चार लाइन का स्पेस रखना नीचे कुछ एक्सप्लेन करूं तो वहां पे लिखूंगा शायद कुछ ये कुछ एंट्री लिखूंगा तीन चार लाइन का स्पेस रखना आपने ठीक है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट उसके बाद उसने सेकंड पूछा है आपसे कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट इसको आप ड्रॉ करो अब देखो आप कंफ्यूज हो ना कैपिटल अकाउंट द न्यू पार्टनर सर क्या वो एक्स गया उसका उसका कॉलम उसका रखना ही पड़ेगा ना उसका बैलेंस तो सेटल कर रहे हैं ना तो लोन अकाउंट भी पूछा तो वो तो वहीं से पता चलेगा उसका बैलेंस कितना आ रहा है कॉलम सबके रखना तो यहाँ पे इसका अच्छे से ड्रॉ करो बढ़िया दस पंद्रह लाइन पर तो यहां पे लोग x, y, z और r, x, y, z और r। उसके बाद फिर आपने x लोन अकाउंट उसने आपसे पूछा है इसको आप तीन चार लाइन में ड्रॉ करेंगे ओके अब देखो उसने रिवैल्यूशन अकाउंट पूछा नहीं उसने क्वेश्चन लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही ना जब आप एसेट को कोई रिवैल्यू करोगे प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टर को में देना होता है तो इवन पूछा नहीं है लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही तो एक्स अकाउंट ये इसके तीन चार लाइन के स्पेस रखना कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वहां पे उसके बाद फिर वर्किंग नोट वर्किंग नोट वर्किंग नोट में पहला रिवैल्युएशन अकाउंट रीवैल्युएशन अकाउंट इसको आप ड्रॉ करिए चार पांच छह लाइन का ओके okay. उसके बाद गुडविल का एक एडजस्टमेंट अपने को करना रहेगा टेबल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल टेबल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ओके टेबल ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ओके अब यहां पे इतना लिखा आपने रिवैल्यूशन अकाउंट क्यों बनाया पूछा नहीं क्वेश्चन लेकिन रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया क्यों क्योंकि उसका ऑब्वियसली प्रॉफिट जो रहता है अपने को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रिशो में देना रहता तो इसलिए अपन उसको बनाया वर्किंग नोट ओके अब अपन शुरू करेंगे एक एक करके इसको समझे आप ये क्या चीज हो रही है यहाँ पे सो so, ये आप पी देखो एक और चीज आप पीनल अप्रोप्रिएशन वो रिवेल्यूशन अलग हाँ अलग है बेटा तो आप यहाँ पे करोगे ना एसेट लाइब्रेरी जो क्वेश्चन है ये तो पीनल अप्रोप्रिएशन क्या चीज है इसको समझ लो ये साल जो प्रॉफिट हो ना उसके प्रॉफिट में अपने कुछ एडजस्टमेंट बोला है तो वो अपन पीनल अप्रोप्रिएशन में करेंगे उसका जो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स को नहीं ये नींद को देना है वाई जेड और आर इसको बटेगा पीनल अप्रोप्रिएशन जो इस साल के प्रॉफिट की बात चल रही है ये चीज ख्याल रखना आपने तो ये जो इसके बारे में बात चल रही है ओके ठीक सो वन बाय वन अब आप देखेंगे यहां पे बैलेंस शीट जो दी है साल की शुरुआत की दी है फर्स्ट ऑफ जनवरी अपने को नीचे पूछा थर्टी फोर डिसम्बर की कहानी उसने एनी सो यहाँ पे एक्स है आपका फिफ्टी वाई फोर्टी और थर्टी फाइव सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन फिफ्टी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड और थर्टी फाइव थाउजेंड उसके बाद है बैंक ओवर ड्राफ्ट टेन थाउजेंड तो ये आपकी लाइबिलिटी तो बैलेंस अच्छा बैलेंस शीट नहीं पूछा उसने अरे बैलेंस शीट उसने नहीं पूछा है ठीक है सो बैंक वर्डर ऑफ लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड में जाएंगे कुछ एडजस्टमेंट उसने बोला से सब देखेंगे अपन तो रिवैलिटी साइड बैलेंस शीट नहीं पूछा उसने ठीक है है उसके ये जो आपका है, वो भी आपकी लाइबिलिटी बैलेंस शीट साइड में जाता है तो बैलेंस शीट पूछा नहीं इसका हाईलाइट कर देखेंड ठीक है एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी एसेट में जाएगा फर्नीचर एसेट में स्टॉक एसेट साइड में सेंड्री डेटर एसेट

टेबल पे चले जाओ यहां पे लिखेंगे आप एक्स वाई जेड और ये आर सो क्रेडिट ओल्ड क्रेडिट इन ओल्ड रेशो ओल्ड रेशो कितना है थ्री टू टू इस टू टू टोटल गुडविल का अमाउंट दे रखा है फोर्टी टू थाउजेंड ओके सो फोर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री टू 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 डिवाइडेड बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय थ्री एटीन थाउजेंड ट्वेल्व थाउजेंड और ट्वेल्व थाउजेंड ओके उसके बाद डेबिट इन न्यू रेशियो ये इक्वल है वन इज टू वन इज टू वन सो यहां पे एक्स रिटायर हो गया तो फोर्टी टू डिवाइड बाई थ्री फोर्टीन थाउजेंड फोर्टीन ये फोर्टीन थाउजेंड so, अब आप यहाँ पे ये एटीन मिलना चाहिए आगे कुछ नहीं तो एटीन थाउजेंड ये सेक्रीफाइस कर रहे ट्वेल्व में आगे फोर्टीन तो ये टू थाउजेंड से गेन कर रहे ट्वेल्व आगे फोर्टीन ये टू थाउजेंड रुपीज से गेन फोर्टीन है फोर्टीन फोर्टीन अभी कुछ नहीं आगे फोर्टीन तो फोर्टीन थाउजेंड से ये भी गेन करें सो एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू थाउजेंड अकाउंट डेबिट टू थाउजेंड आर अकाउंट डेबिट फोर्टीन थाउजेंड टू एक्स अकाउंट एटीन थाउजेंड तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो अपने कैपिटल अकाउंट बनाया आपने वो कैपिटल अकाउंट में जाके उसको डेबिट साइड में लिखेंगे आप किसको डेबिट करना है एक्स वाई जेड आर अगेंस्ट एक्स एक्स अकाउंट वर्किंग नोट नंबर टू गुड विल का है टू टू फोर्टीन टू थाउजेंड टू थाउजेंड फोर्टीन थाउजेंड ओके और फिर अपने को इसको क्रेडिट करना X एक्स को ठीक है अगेंस्ट वाई जेड और आर ये गुडविल का एडजस्टमेंट है चाहो तो ब्रैकेट में लिख देता हूं दो हजार दो हजार फोर्टीन थाउजेंड

एट थाउजेंड ओके उसके बाद यहाँ पे फिर कहता है कि देखो इसको अच्छे समझना वो कहता है कि रुपीज नहीं बोला पे पे? पे पे लाना लाना है। है है, है। तो कितने मतलब पे पे लाना है।, तो है पचास मतलब से कम नहीं करें पचास मतलब पे लाना है टू लिखा हुआ। तो हमको फिफ्टी सिक्स से फिफ्टी पे लाना है मतलब छह से कम करना है डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट सो एंट्री विल बी रीवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट एक्स इज टू रिसीव रुपीज ट्वेंटी उसको बास हजार रूपए कैश दे रहे के तो यहाँ पर आप लिख दो यहाँ पे कैपिटल से कर देता हूँ बाविस हजार रुपए देंगे अपन और बचा हुआ लोन मानेंगे रीपेमेंट भी उसने बोला फिर आगे की मैं बात करता तो हूँ रीपेमेंट कैसे कर रहे हैं अपन रीपेमेंट ऑफ लोन टू बी मेड क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एग्जाम में आना चाहिए आपके रिटायरमेंट तो साल की शुरुआत में वो एक जनवरी दो हजार सोलह को लेकिन उस साल में जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो अपने को किसको तो तो पे करना है वो अपने अपने पेमेंट कहां दिया एक्स को साल की शुरुआत में तो उसको लोन ट्रीट करे तो हर साल के आखिरी में उसको

कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट आर्स कैपिटल को यहां पे क्रेडिट करो बाय कैश अकाउंट फिफ्टी थाउजेंड उसके बाद अ न्यू पार्टनर आर टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली ठीक है आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन

पी एन एल अकाउंट में आया होगा ठीक है एस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्टी टू थाउजेंड ठीक है दिस इज बिफोर बिफोर टेकिंग अकाउंट इंस्टॉलमेंट टू ठीक है ठीक है अब ध्यान से मेरी बात अपने को इसके ऊपर आएंगे अपन उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना इस पूरे साल का प्रॉफिट अपना थर्टी टू थाउजेंड इसमें कोई डाउट नहीं थर्टी टू थाउजेंड में हक किसका वाई जेड और आर का लेकिन जो पार्टनर एक साल के शुरुआत में रिटायर हो उसको हमको इंटरेस्ट भी पे करना है तो इसके पहले का प्रॉफिट अपन इंटरेस्ट को पे करेंगे मैं लेकिन बेटा आप यहां पे अच्छे एक काम करो उसका, उसका बैलेंस कितना अपने को चेक करना पड़ेगा तो रिवैल्यूशन अकाउंट की पोजिशन देखो कितनी यहां पे लॉस है तो आप यहाँ पे लिखो फोर्टीन थाउजेंड बाय लॉस ट्रांसफर्ड ठीक है इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग एशो थ्री एस टू 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 था थ्री एस टू 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 था ठीक है ओल्ड पार्टनर्स एक्स वाई जेड तो ये फोर्टीन थाउजेंड का लॉस सिक्स थाउजेंड फोर थाउजेंड फोर थाउजेंड ठीक है अब आपने रिवैल यहां पर क्रिएट करे लॉस है पार्टनर्स कैपिटल को आप डेबिट करो टू रिवैल्युएशन ये लॉस है आपका ठीक है वर्किंग नोट नंबर वन छह हजार चार हजार और चार हजार ठीक है अब उसके बाद यहां पे आप जो पार्टनर रिटायर हुए ठीक है थीके? जो पार्टनर रिटायर हुए उसके एक सेकेंड ना दो तीन लाइन का स्पेस रखना फिर आपने यहां पे जो पार्टनर रिटायर हुआ कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ यहां पे पार्टनर एक्स तो उसका बैलेंस देखो कितना आ रहा है फिफ्टी प्लस टू प्लस टू प्लस फोर्टीन सिक्सटी एट थाउजेंड सिक्सटी एट माइनस सिक्स तो आपका सिक्सटी टू थाउजेंड बैलेंस आ रहा है लेकिन वेट क्वेश्चन में क्या बोला उसने अपने को उसने क्वेश्चन में अपने से कहा कि उसको आपने ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज यहां पे ट्वेंटी टू थाउजेंड रुपीज उसको बहुत ही डार्क कर देना है बाय तो आपको कैश पे करे तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक और लाइन नीचे रखना था चलिए कोई बात नहीं टू बैंक अकाउंट बावीस हजार रुपए और बचे हुए को लोन मानना है फोर्टी थाउजेंड बैलेंस आ रहा है To X loan. X loan, bracket में में to एक्स लोन एक्स लोन ब्रैकेट में लिख देता हूं तो एक आपने पेमेंट क्रेडिट करें आपने ठीक है उसके बाद एक्स लोन अकाउंट उसने पूछा है तो यहाँ पे डेट भी लिख दो फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन की बात है बाय एक्स कैपिटल तो जो भी अपन ने अभी चीजें करे साल के शुरुआत में ठीक है कितना बैलेंस आ रहा है फोर्टी ओके अब क्या हुआ यहां पे यहां पे बाकी जो पार्टनर्स उनके बैलेंसेस आप निकालेंगे टू बैलेंस डाउन तो फोर्टी थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड तो ये आपका थर्टी फोर थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड माइनस फोर्टीन थाउजेंड थर्टी सिक्स थाउजेंड तो ये आपका बैलेंस ये पा बैलेंस ब्रॉड डाउन साल की शुरुआत की पोजीशन जब पार्टनर रिटायर हुआ थर्टी फोर थाउजेंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड और थर्टी सिक्स थाउजेंड अब पूरे साल काम चला और यहां पे प्रॉफिट हो अपने को थर्टी टू थाउजेंड का लेकिन अपने को बिफोर इंस्टॉलमेंट की सेटलमेंट होने का तो अपने इंटरेस्ट पे करें ना एक्सपेंस है सो यहां पे आप लिखोगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन अब लोन इंटरेस्ट किस पे देंगे कि जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो अपने को यहां पे पता चला कि साल की कितना आउटस्टैंडिंग है साल बड़े उजेंड रुपीज तो यहां पर आप लिखो फोर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई परसेंटेंड टू हंड्रेड साल का इंटरेस्ट हुआ ठीक है तो आपने इसको समझना बेटा मैं आपको कोई एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊ ध्यान से मेरी बात को समझना यहां पर तो आपने जब यहाँ पे एंट्री पास करे ना ये जो एंट्री पास करे तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री पास होती है वैसे इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है एंट्री तो पास होती इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट आपने जो भी पास करे फोर्टी थाउजेंड पे आठ परसेंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड तो टू इंटरेस्ट पेबल बला अच्छे समझना इंटरेस्ट तो ये इंटरेस्ट पेबल मैंने क्यों क्रेडिट करा इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो ये क्यों अपने डेबिट करे बेटा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस ये क्यों क्रेडिट करे अपन इंक्रीज इन लाइबिलिटी ओके लेकिन ये इंटरेस्ट देना किसको पेबल आपने लिखे लेकिन देना किसको तो आप ये कह सकते हो कि सर हमको तो ये एक्स को देना है ना एक्स एक्स तो का जो लोन अकाउंट अपन ने बनाया तो आप इसके बदले यहां पे लिख सकते हो मिस्टर एक्स तो बेसिकली एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स लोन अकाउंट मिस्टर एक्स को देना है, तो मैं ऐसा लिख देता एक्स लोन अकाउंट तो आप एक्स लोन अकाउंट में लेके जाएंगे थोड़ा सोचा करो बैलेंस शीट की लाइब्रेलिटी साइड में इंटरेस्ट पेबल लिखो या जिसको देना उसके नाम से लिखो तो उसका नाम है ना एक्स लोन ठीक है एक्स लोन अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन अकाउंट तो आपने एक्स लोन अकाउंट यहां पे बना रखे उसको आप यहां पे साल के आखिरी की बात अभी थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन बाय इंटरेस्ट ऑन लोन थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ओके अब यहां पे जो प्रॉफिट आया अपना ये पूरे साल का प्रॉफिट है 2016 का वो रिटायर साल के शुरुआत में तो जो पूरे साल में कौन कौन पार्टनर्स थे ये थे पार्टनर तीन जेड और इनको दे देंगे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था वन इज टू तो, वन इज टू तो, वन था ठीक है सो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर वन इज टू वन इज टू वन सो ये कितना आ रहा है ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड Y, Z और r वन एस टू वन एस टू डि थ्री कर दो बस नौ हजार छ सौ नौ हजार छ सौ नौ हजार छ सौ सो so, ये आपने वन इज वन ये वन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट आप किसको को पार्टनर्स को तो Y, Z और R को तो ये यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये तो रिटायर हो गए नौ हजार छ सौ 9600 9600 जैसे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करते वैसे ही है लेकिन याद रखना ये जो रिटायरिंग पार्टनर साल की शुरुआत में रिटायर हो उसको मत दे देना उसको नहीं देना था ठीक है थीके? अब यहां पे दिस वन विकेट ठीक है अब यहां पे ध्यान से बेटा उसने अपने से कहा कि यहां पे रिपेमेंट ऑफ लोन टू बी मेड एट द एंड ऑफ द

अब जब उसको पे कर रहे हो टैक्स लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट अब क्या पे करना है लोन का ये क्या है थर्टी टू थाउजेंड प्रॉफिट है वो लोन अमाउंट रीपे कर रहा है प्लस उसको इंटरेस्ट भी तो पे करना इंटरेस्ट कितना इस साल का तीन हजार दो सौ तो थर्टी टू थाउजेंड का पच्चीस परसेंट होता है आठ हजार वो पेमेंट करना प्लस इस साल का इंटरेस्ट ये आपका तीन हजार दो सौ तो ग्यारह हजार दो सौ रुपए समझ में आया कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट था तो उसको ये तो पे करना है थर्टी टू थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट जो प्रॉफिट अब हर साल क्या वो आंटी आएगा कि नहीं नेक्स्ट ईयर कुछ और प्रॉफिट रहेगा तो उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट वो पे करेगा इस तरह और इंटरेस्ट उस साल का अब यहां पे इस पे मैं नोट लिखा देता हूं इसका एक क्लोजिंग बैलेंस आप यहां पे लिख लो फोर्टी थ्री तो यह आया आपका 32,000 टू थाउजेंड बैलेंस आ गया टू बैलेंस कैरीड डाउन आप एक नोट लिख लो रीपेमेंट ऑफ लोन Is twenty five per cent of profit before interest that is thirty two thousand multiplied by twenty five per cent equals to eight thousand paid together with interest accrued. फॉर द ईयर रुपीज थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड ओके सो यह रिवैल्यूशन इतना कंप्लीट ही था यहां पर ठीक है अब बस ये आपको कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल दो फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड 29000 eight thousand six hundred thirty six thousand plus nine thousand six hundred forty five thousand six hundred two 600, 600 36000 600, 600, balance okay तो ये क्वेश्चन हमारा यहां पे खत्म होता है ओके, ठीक है सो आज बस इतना और याद रखना इसका मैं सोल्यूशन भाई अपलोड कर दूंगा उसकी तरह सिमिलर तो आपको होमवर्क करना है तो हमारा यहां एक खत्म होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर हम लोग नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे लेकिन आज का होमवर्क जो है आपका ठीक है होमवर्क जो है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर होमवर्क रहेगा आपका ठीक है थर्टी फोर होमवर्क है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव भी होमवर्क रहेगा और क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अच्छा ये तो अपने करें तो जाना पहचाना सा लग रहा है सरप्लस फंड बैंक ड्राफ्ट अरे ठीक है ओके एक सेकेंड रुकना मुझे कुछ इसमें नया लगे तो मैं बता दू थर्टी फाइव ना ध्यान में तो कुछ मुझे कहना था उसके बारे में थर्टी फाइव है आ, ओके जस्ट वन मिनट हाँ ठीक है देखो एक नई चीज समझना बेटा यहां पे आपका अगर ये देखते हैं ना आप एक सेकेंड ये आपका गुडविल ऑलरेडी एक लाख है

अब इसके बाद वही अपना फेवरेट टेबल पांच लाख रुपए ये जो है ये पांच लाख रुपए से मैंने यहाँ पे ये टेबल से ने, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जो अपन करते तो वो यहां पे उसने किया है ठीक है बस ये एक नई चीज थी और इसको भी होमवर्क है कुछ, अच्छा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो आपको दिख रहा है दूसरे रिजर्व की तरह उसको वैसे ही आपने को कैपिटल अकाउंट में जैसे रिजर्व बांटते ना बेटे बस वैसे ही करना है रिजर्व कंटिन्युएंसी रिजर्व हो गए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जैसे दूसरे रिजर्व बांटते बस इसको रिजर्व को वैसे ही बांटना रहेगा ख्याल रखना आपने ठीक है ये होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स भी होमवर्क है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स में कुछ नया दिख रहा है कि मैं देख लू हम्म <laughs> जस्ट वन मिनट इज ठीक जस्ट मिनट ठीक है गुडविल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड एट रुपीज ये देखो यहाँ पे, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हम नहीं पॉइंट नंबर ई गुडविल ऑफ द फॉर्म बी वैल्यूड एट रूपीज थ्री लैक कुरेश कैपिटल विद गुडविल विदाउट रेजिंग से पाठक कुरेशी एंड रंजीत ये तीन पार्टनर थे इनका प्रॉफिट टू थ्री ठीक है और उसके बाद कोई नया पार्टनर आया के यहाँ पे कुरेशी रिटायर हुआ है यहाँ पे तो फिर नया कौन आया अच्छा आफ्टर कुरिटी रिटर पाठक एंड रंजीत एडमिट स्वामी नया न्यू पाटक विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी थर्टीन पाठक रंजीत एंड स्वामी एग्री टू टू शेयर द प्रॉफिट रिस्पेक्ट स्वामी ब्रॉड पेटेंट वैल्यू डेट रूप देखो पे स्वामी ने पेटेंट लेखे कोई एसेट लेकर आया तो इसकी एंट्री याद रखना बेटा ये एक नया पॉइंट है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन पेटेंट अकाउंट डेबिट सॉरी नॉट रिवैल पेटेंट अकाउंट डेबिट टू स्वामीज कैपिटल अकाउंट कोई नया पार्टनर आ रहा है तो जरूरी नहीं है कैश लाए कोई दूसरी एसेट भी ला सकता है थ्री लैक्स एट्टी की कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू स्वामीज कैपिटल अकाउंट ओके इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल एज वैल्यूड बाय द ओल्ड फॉर्म द एंटायर अमाउंट ऑफ रूज फोर लैक वॉज क्रिएट स्वामीज कैपिटल अकाउंट सही है ना ट्वेंटी और थ्री एटी ठीक है एडजस्टमेंट वेर इन द कैपिटल फॉर शेयर फॉर स्वामीज शेयर ऑफ गुडविल ठीक है एक सेकेंड वन बाय वन सो गुडविल यहाँ पे कितना दिया उसने तीन लाख रुपए so, इनका, इनका एक, एक कुरेशियन रंजीत तो यहाँ पे वन लाख फोर्टी वन लाख एंड सिक्सेंड ये सेवन इंस टू थ्री एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इन बदले कहीं पे ये टू इस टू वन इस टू वन तो बाद में आया ना सेवन इस टू थ्री का भी कहीं कुछ हुआ है जस्ट मिनट अच्छा ये ये बी एक कुरेशी, कुरेशी रिटायर हुए अच्छा 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 जस्ट वन मिनट ओके तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे उसको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे उसको अननेसेसरी उसको उस तरीके से करने की ठीक है मैं आपको बता दू जस्ट वन मिनट यहाँ पे ध्यान से अब आप मेरी बात सुनेंगे देखो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा यहाँ पे देखो उनके ये फाइव टू थ्री सेवन इज टू फाइव टू थ्री था तो तीन लाख जो गुडविल उसने दिया क्वेश्चन में तो तीन लाख को ओल्ड पार्टनर्स थे आपके यहाँ पे पाठक कुरेशी और रंजीत अब चौथा पार्टनर उनके स्वामी है ठीक है स्वामी, स्वामी है ध्यान से अब आप मेरी बात सुनना बेटा अब इसको ना दो सिंगल टेबल में भी हो जाता था अब जो न्यू पार्टनर उनके है तो उनको यहाँ पे वही जैसा अपन हमेशा बनाते टू इज टू वन इज टू वन रेशो हो गया अब ये कुरेशी तो नहीं है यहाँ पे तो तीन लाख को बांटो टू इस टू वन इज टू वन में तो आपका एक लाख पचास हजार सेवन था ये तो कुरेशी, यहाँ पे इसका 75, तो रंजीत का स्वामी का सेवन तो जो मैंने हाईलाइट करा ना बस कर देखना है आपको तो यहां पे वन लाख फोर्टी था यहाँ पे उसको मिलेगा आगे वन लाख फिफ्टी तो इसने दस हजार रुपए से क्या कर रहा है गेन कर रहा है यहाँ पे इसको एक लाख आगे कुछ नहीं तो जो मैंने हाईलाइट करो ना बस उसी को देखना तो यहाँ पे एक लाख रुपए से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये सिक्सटी रहा है, आगे सेवेंटी फाइव तो पंद्रह हजार रुपए से गेन कर रहे हैं। और स्वामी अभी कुछ नहीं आगे सेवेंटी फाइव तो ये भी सेवेंटी फाइव थाउजेंड से गेन कर रहे हैं। तो इसकी एंट्री क्या पास हो गया आप एक एंट्री भी पास कर सकते हो तो ऐसे दो ना करते हुए इन्होंने क्या पहले मैं मैं कर लेता जब मैं क्या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट तो पाठक डेबिट दस हजार रुपए ये सेक्रीफाइसिंग है कुरेशी रंजीत अकाउंट डेबिट फिफ्टीन थाउजेंड स्वामी अकाउंट डेबिट अगेनिंग पार्टनर है सेवेंटी फाइव थाउजेंड टू कुरेशी कुरेशी अकाउंट वन लाख तो ये जो अपन हमेशा टेबल बनाते वैसा ही है एक सेकेंड ना कुरेशी कौन है भाई रंजीत ओके तो जो दो इसमें करे तो आप ये भी अगर ऐसे ही करेंगे तो यहां पर शायद एंट्रीज भी पास करे तो दो अलग अलग कर होंगे गुडविल की इट्स ओके बट ठीक है एक मिनट इसका मैं अगर इफेक्ट दू ना तो देखो आपको यहाँ पे गुडविल देखो एडजस्ट में यहां पर अगर आप देखोगे बेटे तो यहाँ पे पाठक को डेबिट करे सत्तर से फिर पाठक को क्रेडिट करे यहाँ पे साठ से तो नेट इफेक्ट दस से डेबिट करे ना तो दस से डेबिट किए फिर यहाँ पे रंजीत को डेबिट करे थर्टी से फिर रंजीत को क्रेडिट करे पंद्रह से तो नेट इफेक्ट पंद्रह से डेबिट करे फिर यहां पे आपने यहां पे एक सेकेंड कुरेशी को क्रेडिट करे आपने ये वन लाख से तो यहाँ पर देखो कुरेशी को क्रेडिट करे अपन ने वन लाख से ओके और एक स्वामी कैपिटल और ये स्वामी को देखो यहां अपन इनको अपने सेवेंटी फाइव से बेटा डेबिट करें ठीक है सेवेंटी फाइव से डेबिट तो नेट इफेक्ट वो सेम ही आ रहा है डोंट वरी तो आप सिंगल एंट्री ऐसे भी कर सकते हो उसको ओके तो तीन होमवर्क है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर थर्टी फाइव तीन होमवर्क है और वो नॉट नेसेसरी मगर कर लो चलो ठीक है अच्छा ही है, कर लो प्रैक्टिस तो अच्छा ही है और जो आज जो ये क्लास का क्वेश्चन जो गलती से क्लास में आ गया वो जो कि होमवर्क सेक्शन में रहना चाहिए था क्वेश्चन नंबर फोर्टी ठीक है सो सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते और नेक्स्ट सेशन में मैं डेथ ऑफ ए पार्टनर से शुरू करते सेशन यहाँ पे खत्म होता है छोटा सा सेशन टेक केयर बाय बाय आज होमवर्क ज्यादा तो अभी होमवर्क कर लेना आपने okay? ओके